नमस्कार, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा का विषय पंजाब पुलिस के द्वारा नशा तस्करों के ऊपर किए जा रहे शिकंजे को लेकर है। पंजाब पुलिस की बड़ी रिकवरी है। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने एक बड़ी रिकवरी हासिल की है, जिसमें दो जो है विदेशी नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 23 लाख रुपए की ड्रग मनी और उनके पास से जो है 95 करोड़ रुपए की जो हीरोइन है, नशीला पाउडर है, वो बरामद किया गया। और 7 विदेशी पिस्तल जो है वो बरामद किए गए, जिसके साथ साथ एक ड्रोन भी जो है वो बरामद किया गया, जिस ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से ये लोग नशीला पाउडर मंगवाते थे। और बड़ी रिकवरी जो है वो पंजाब पुलिस ने की है। नए साल का मौका है और नए साल के मौके पर एक बड़ी रिकवरी और नशा तस्करों के ऊपर एक बड़ा शिकंजा पंजाब पुलिस का है। लगातार नशे को लेकर कई सवाल उठते आ रहे हैं, पंजाब पुलिस को कई सवाल पूछे जाते थे, लेकिन ऐसे में पंजाब पुलिस लगातार एक सोची समझी जो है एक पूरी एक प्लानिंग के साथ जो है इनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी, जिसके चलते उनको एक बड़ी सफलता मिली है और बड़ी रिकवरी मानी जा रही है जो पंजाब पुलिस ने इस बार की है। और बॉर्डर से जो है ये जो दो नशा तस्कर जो है गिरफ्तार किए गए हैं, एक जो है वो देहाती एरिया का है, दूसरा अमृतसर का रहने वाला है, और दोनों 12वीं पास जो है वो नौजवान है जो तस्कर है। और ऐसे में सवाल यहाँ पर ये थे कि छोटी उम्र के जो तस्कर है वो लगातार इस तरह से सक्रिय है और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो जो लोग हैं वो नशा तस्करी करते आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार पंजाब पुलिस भी सक्रिय है, जिसके चलते एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जसतेज सिंह अरोड़ा हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ है, और हमारे साथ में विश्लेषक जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है, और श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जसतेज जी आपसे करूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और नशे को लेकर तमाम सवाल उठते आ रहे हैं। पंजाब पुलिस पर सवाल है और सरकार पर सवाल है, लेकिन ऐसे में अब बड़ी रिकवरी मानी जा रही है जो पंजाब पुलिस अमृतसर पुलिस ने जो है कल की है, जिसमें 95 करोड़ की हीरोइन बरामद की गई है, 7 विदेशी पिस्तौल बरामद किए गए हैं, एक ड्रोन बरामद किया गया है, 23 लाख की ड्रग मनी बरामद की गई है। और ये कहा जा रहा है कि इस रिकवरी के साथ साथ और बड़े खुलासे होने की संभावना है और इस नेक्सस को तोड़ने में अमृतसर पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। क्या कहेंगे सर? देखिए, नमस्कार सबको पहले, और नए साल की बधाई हो। देखिए, नशा जो हमारे पंजाब का है मुद्दा, वो पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 20 सालों में इसने बहुत पकड़ जो है अपनी पंजाब के अंदर, क्योंकि बहुत लिंक्स थे इसके, बहुत जड़ें गहराई तक पहुंची हुई थी, तो इसने एक शिकंजा सा बनाया हुआ था। तो अब मैंने पहले भी आपको, आपके ही चैनल पे एक बारी कहा था कि, और आपको याद होगा, ये मतलब सिर्फ 10 दिन पुरानी बात है, जब मैंने कहा था कि ये चाहे गैंगस्टरवाद हो चाहे नशा हो, इनकी जड़ों में जो दवाई डालनी है वो दवाई भगवंत सिंह मान ने इजाद कर ली है, ढूंढ ली है, और उस जड़ों में ये दवाई डालनी शुरू कर दी है। ये बात आपको याद होगा, मैंने 10 दिन पहले आप ही के चैनल पे पहली बारी गई थी, और मैंने उस वक्त ये भी आपको बता दिया था कि ये एक्शन अब आने वाले टाइम में और भी तेज होगा, क्योंकि अब जोन से ये कैप्सूल्स थे, ये छोटे छोटे सेल थे, और कहीं स्ट्रॉन्ग सेल थे ये ड्रग्स के, माफिया के, ये जोन से हैं आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब पहले आते साथ जैसे ऑपोजिशन ने तो इस बात पर घेरना शुरू कर दिया, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, पर हमने जोन सा एक उलीका था, हमने जोन सा एक प्लान तैयार किया था, उस प्लान के तहत हमें एक पेशेंस की जरूरत थी, मतलब थोड़ा सा शांति रखने की जरूरत थी, और प्रॉपर जोन से लोग इन गतिविधियों को अंजाम देते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी थी। ये तो नहीं है कि भी हाँ जी आते सार आंखें बंद करके आप जाल फेंको और जो मछली आती उसे पकड़ लो, पर जोन से मेन लोग थे वो आइडेंटिफाई करना जोन सा पहला मकसद था हमारी सरकार का, मान साहब का, और वो आइडेंटिफाई हो चुके थे। तो ये अब उनके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। देखिए, सिर्फ कार्रवाई सिर्फ ये नहीं है कि हां जी छापा मार दिया, पकड़ लिया। आज की डेट में पहली बार हुआ होगा कि पंजाब की सरकार, इनके आईजीपी डीजीपी आके बकायदा थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है अपना वेरवा, ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, वो आके पेश होते हैं लोगों के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा आपको डेटा देते हैं,
और उसके बाद जो उनसे रिपोर्टर्स उनसे सवाल भी पूछते हैं और वो सवालों के जवाब भी देते हैं। अब पिछले दिनों में जो हुआ था आप देखिए कि टोटल ड्रग जो उनसे अरेस्ट हुए अराउंड 15,000 के करीब जो उनसे नशे के तस्कर हैं वो जो उनसे हैं अरेस्ट हो चुके हैं पिछले अभी अभी तक जब जब से सरकार बनी है। उसके अंदर जो उनसे बड़े स्मगलर हैं वो 2500 हैं, टोटल जो उनसे FIR वो 11,000 के आसपास हैं, कमर्शियल क्वांटिटी 1385 जो उनसे किलो हो चुकी है रिकवर। और आपने अभी खुद बताया कि भाई ये जो उनसे कल परसों में हुई है जो कि अराउंड 100 करोड़ के आसपास का जो ड्रग्स का जो सा एक व्यापार है वो उसके ऊपर एक बस्ट हुआ है, उसको उसको नापाक कर दिया गया, उसे उसे खत्म कर दिया गया। तो आप सोचिए कि अगर ये 100 करोड़ का नशा अगर नहीं पकड़ा जाता तो ये हमारे पंजाब की जवानी के ऊपर। जसपाल जी बिल्कुल इस बात से कोई भी दोहराए नहीं है कि ये एक बड़ी रिकवरी है, बड़ी सफलता है। जहां पर इसकी वाहवाही हो रही है वहां पर एक चिंता का विषय भी बन रहा है, क्योंकि जिन जिन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है उनकी महज उम्र जो है बहुत कम है और 12वीं पास के जो छात्र बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में कितनी चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि जो नशा तस्कर थे अब छोटी उम्र के भी जो है नौजवान उस पर जा रहे हैं, पैसे का लालच बताइए या फिर नशे का किसी और तरह से लालच, लेकिन कितनी आप समझते हैं कितनी चिंता करने की जरूरत है क्योंकि 12वीं कक्षा के जो नौजवान हैं वो इस तस्करी के दलदल में घिसते जा रहे हैं, तो ऐसे में पंजाब की जवानी कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। जजवीर जी सिर्फ अभी नहीं इससे पहले भी जो उनसे पकड़े गए हैं पिछले 1.5-2 साल में उसके अंदर भी नौजवान बहुत थे। देखिए एक बात मैं आपके सामने बड़ी साफ करता हूं और बड़ी कैंडिडली करता हूं, जो नशे का व्यापार है ठीक है मुझे नहीं पता किसी ने कभी ये बात कही है कि नहीं कही, पर अगर हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी जरूरी है इस करके मैं ये बात कर रहा हूं, नशे का जो नशे से जो पैसे की कमाई है ना वो असल में एकदम जल्दी है और ज्यादा है। तो ये क्योंकि पहले एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम नहीं होता था, लोग जो उनसे हैं फ्री वेले से बैठे होते थे तो वो दिमाग में जो सा एक चलता रहता है कि भी खाली खाली काम करने वाला शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो अपने आप शैतानियों की तरफ जो सा है बच्चों को धकेल देता था। तो ये है चिंताजनक बात है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें इसके ऊपर भी एक अलग तरीके से डॉक्टर बलबीर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इस पर भी काम कर रहे हैं। आज की डेट में सिर्फ बाहर ही नहीं साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए, उन्होंने जेलों में भी सुधार के लिए बच्चों के लिए उन्होंने साइकोलॉजिस्ट वहां पे साइकेट्रिस्ट बिठाए हैं, उनकी काउंसलिंग भी हो रही है। तो ऐसे ही मतलब ऊंट के क्लिनिक आप देखिए पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़े। एक और बात बस एक सेकंड आप एक और बात देखिए कि ये पहली बार हुआ होगा कि पंजाब सरकार सिर्फ नशा तस्करों नशा के व्यापारियों को पकड़ ही नहीं रही, उनकी जायदादें भी जब्त कर रही है। आज की डेट में 130 करोड़ की जायदाद जब्त हो चुकी है क्योंकि इनको इकोनॉमिकली इनकी इनके पैसे की आमदन से जो गलत कमाई करके इन्होंने प्रॉपर्टी खड़ी की है अगर उसके ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसे रोकेंगे? पीढ़ी तो कहेगी वो तो प्रॉपर्टी बना ली, तो अब जब उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक हो रहा है तो ये आगे के लिए एक सबक है कि हाँ ये मत सोचना कि पैसे कमा के सिर्फ गिरफ्तारी होगी, पैसे कमा के जो प्रॉपर्टियां बनाई है वो भी जाएंगी हाथ से। ठीक है बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया कि रोड मैप तैयार किया गया जिसके तहत इस तरह की गिरफ्तारी तरह की बड़ी रिकवरी जो है वो पंजाब पुलिस कर रही है क्योंकि पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान लगातार इस पर काम कर रहे थे जैसे आपने बताया। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ है। नरेश जी कैसे देखते हैं बड़ी रिकवरी पंजाब पुलिस की, नशे के ऊपर पंजाब पुलिस का प्रहार और रोड मैप के जरिए जिस तरह जैसे दस्तेज जी ने बताया कि पूरा रोड मैप तैयार था उसी के तहत इस तरह की बड़ी रिकवरी हुई है, कैसे मानते हैं सर? अच्छी बात है जजबीर जी, सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को सभी पंजाब वासियों को देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जसदेव जी ने जैसे बताया कि पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ी रिकवरी की है नशे को लेकर के, मैं पंजाब की बहादुर पुलिस को और अमृतसर के कमिश्नर साहब को और पूरी टीम को इस काम के लिए बहुत 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 बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये ऐसे ही ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा और नशे के खिलाफ जो भी सरकार का रोड मैप है वो तो जैसे जस्तेज जी ने बताया कि बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि पंजाब में नशे का व्यापार बहुत तेजी से पिछले समय से बढ़ा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस मतलब
इस कोण में, इस कोण को खत्म करने के लिए पंजाब का हर व्यक्ति जुटा हुआ है और हर ये चाहता है कि पंजाब से नशे का ये कोण खत्म हो जाए। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि पंजाब पुलिस की ये जो कार्रवाई है, जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए थोड़ी है, बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज भी गाँव में, बहुत सारे गाँव, छोटे छोटे जो गाँव है, वहां पर ये शरे आम बिकता है नशा। और खास करके अगर मैं चाहे तरन तारण की बात करूं, पटियाला की बात करूं, संगरूर की बात करूं, मुक्सर की बात करूं, बठिंडा की, कितने जिले ऐसे हैं जहां ये इश्तहार लगा करके कहा जा रहा है कि आइए यहां से नशा खरीदिए, यहां नशा बिकता है। उस तरफ भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात जो आपने जजबीर जी कही है कि बारहवीं पढ़े बच्चे, 15-15, 16-16 साल के, 20-20 साल के जो नौजवान हैं, वो इस गर्क में धंसते जा रहे हैं, ये हमारे लिए सब चिंता का विषय है। सो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को और तेज करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर मुझे लगता है कि जैसे अमृतसर की पंजाब पुलिस ने यह बेहतरीन काम किया है, अगर तरन तारण के SSP चौहान साहब को वहां से बदला ना जाता तो मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा काम तरन तारण में भी किया जा सकता है। मेरी पंजाब पुलिस के नौजवानों को जहां नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दोबारा से मैं सबको शुभकामनाएं देता हुआ कि ये पंजाब के नशे के कोड़ को खत्म करने के लिए जितना भी भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए वो कम है, लेकिन इस कोड़ को खत्म कर देना चाहिए। चलिए बिल्कुल, इस कोड़ को खत्म करना एक लक्ष्य बन जाता है। अगर सबकी बात करें, पंजाब सरकार की बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें और आम लोगों की बात करें, क्योंकि ये पंजाब की जवानी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, पंजाब की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जिस तरह से आपने बताया कि पंजाब के देहाती एरिया में नशे की पूर्ति के लिए लोग जो है वो कहीं ना कहीं उस दलदल में घिसते जा रहे हैं, उनको वापस लाना वो भी एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ है। विक्की जी, कैसे देखते हैं कि एक बड़ी रिकवरी है और लगातार ऑपोजिशन सवाल भी खड़े करती आ रही कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर और पंजाब में नशे का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ता जा रहा है, तो उसको अब बड़ी, पहले भी ऐसी बड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन ऐसे में जो अभी हाल ही में जो कल रिकवरी हुई है उसकी, उसको अगर उसकी बात करें तो वहां पर उस समय पंजाब पुलिस की वाहवाही जहां पर हो रही है, वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पंजाब से नशे को जो है वो जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। और पंजाब पुलिस ने ये बता दिया है कि नशा तस्करों के ऊपर अब जो है वो बड़ी कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई के तहत जो है, शिकंजे के तहत जो है उनके ऊपर अब इस तरह की कार्रवाई रखी गई है जिसमें उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। वही दूसरी तरफ बड़ी रिकवरी के साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टी के साथ साथ जो उनके मिलने जुलने वाले हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? सर, सबसे पहले तो जितने भी मेहमान यहाँ बैठे हैं उनको और पूरे पंजाब को और पूरे हिंदुस्तान को नव वर्ष की लाख लाख बधाई हो जी। उसके साथ ही हमने ये महसूस किया है कि नववर्ष से शुरू होने से पहले ही जो CP अमृतसर साहब ने ये ड्रग की रिकवरी की है और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये देखिए कि ये एक मछली पकड़ी गई है और पूरा ग्रो अभी भी बाकी है। ये आपको ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ये आखिरकार बॉर्डर से ड्रोन के साथ ये इतनी बड़ी जो खेप है वो पिस्टल की और जो नशे की वो आई है, वो 125 करोड़ की कोई बता रहे हैं, कोई 100 करोड़ की बता रहे हैं, लेकिन इसका मापदंड का नहीं पता कि करोड़ों में, एक जैसे हम करोड़ों में डाल देते हैं ना, हर आदमी को लालच बढ़ जाता है कि इतने पैसे हैं, इतनी कमाई है। और चलो वो बात अलग से है, फिर भी आप ये देखिए कि आज हमारा यूथ किस तरफ जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यूथ जो हमारी हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, हमारे पंजाब स्टेट की रीढ़ की हड्डी है, वो अभी ड्रग पेंडलर बन रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि 12वीं पास जो है उनको डिग्री के लिए जाना चाहिए लेकिन वो नशे की खेप सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। और पंजाब का यही हाल, मतलब ये नहीं है, यहाँ के लड़के और लड़कियां इनसे भी, लड़कों से भी आगे निकल गई हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि ऐसा पंजाब बना देंगे कि यहाँ पे अंग्रेज जो है वो काम करने के लिए आया करेंगे, लेकिन अंग्रेज तो हमने देखे नहीं। हमारी बच्चियां और बच्चे झूलते जरूर नशे से देखते हैं,
रोज ही कोई ना कोई वीडियो ऐसी आ जाती है कि हम बच्चों को के जो अभी अनमैरिड होते हैं वो कहीं गिरे होते हैं, कहीं गिरने वाले होते हैं, उनको मतलब ये एक पकड़ा गया है। आखिरकार वहां से जो है हमारी बीएसएफ लग रही है, हमारी पंजाब पुलिस लगी है, वहां से आ गई, निकल के आ गई। अब पता नहीं कितनी खेपें ऐसी आ भी गई होंगी, 100 खेपें 50 खेपें आ गई और एक पकड़ी गई, तो जितनी आई है वो भी तो लोगों में बटेगी, वो भी पंजाब का बेड़ा गर्क करेगी। तो ये हम अप्रिशिएट करते हैं अपनी पुलिस को, क्योंकि हमारी पुलिस में बहुत अच्छे जवान हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ जो है भेड़िए वो छुपे हुए हैं, जो चाहे वो पंजाब पुलिस के हो चाहे बीएसएफ के हो, मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन कुछ एक दो मछली जो है वो सारे तालाब को गंदा कर रही है, ये उनके ऊपर भी पूरी निगाह होनी चाहिए कि ऐसे अगर पंजाब में ये नशा आता जाएगा और पंजाब बदनाम होता जाएगा। पहले श्रोमणी अकाली दल को इसी चीज के सभी पार्टियों ने मतलब कहा था कि श्रोमणी अकाली दल नशा फैला रहा है। अब 5 साल कांग्रेस सरकार को बीत गए, 2 साल के करीब आम आदमी को बीत गए, और नशा ये देखिए अब दुगना तिगना हुआ है, उससे भी ज्यादा बढ़कर हुआ है। तो हम अब हमारी पार्टी तो नहीं है सत्ता में, हम तो 7 साल से बाहर हैं, तो लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी पंजाब कितना, अभी हम देखते हैं बच्चे छोटे छोटे वो पुड़ियों में लाकर और इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं, लड़कियां इंजेक्शन इंजेक्ट कर रही हैं, तो ये पंजाब का बहुत बुरा हाल होगा, इसके लिए संभलना चाहिए, हमें पूरी सिक्योरिटी करनी चाहिए। सवाल भी बरकरार है, जहां पर पुलिस की ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, वहां एक चिंता का विषय भी बनता है कि अगर आखिरकार इतनी बड़ी खेप अगर डिलीवर होती तो कितनी हजारों जिंदगियों को जो है तबाह करती और उसके साथ साथ कितने नौजवान की जिंदगी खत्म होती। लेकिन ऐसे में अमृतसर पुलिस ने एक जो है सीधे तौर पर कहें तो एक बड़ा काम किया है, और इस तस्करों को जैसे इनके ऊपर कार्रवाई की है, तो इनके साथी जो थे और जो इनके साथ इस नेक्सस में जो लोग शामिल थे, सरहद पार थे या इस इंडिया की तरफ थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई अब जो है सीधे तौर पर की जानी है। सर इनको चेक करना चाहिए कि बॉर्डर से कैसे क्लियर हुई है, क्योंकि 12वीं कक्षा के जो है ये तस्कर जो है वो पकड़े गए हैं, तो ऐसे में इनके साथी कौन कौन थे और इनके साथ कौन लोग थे मिलकर जो इस तरह के गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे, ये एक चिंता का विषय है। भट्टी साहब जो नशा है वो पंजाब की प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इंडिया में भी है, बाकी स्टेट में ही है, पंजाब में भी है। सन 2000 की बात है, जब एसएसपी तरनतारन में सरदार इकबाल सिंह थे, लालपुरा जो वे लिखते हैं अपने आप को मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने 84 केजी जड़ी से हेरोइन फड़ी सी, उसका एक दहाके तक डेढ़ दहाके तक रिकॉर्ड ही टूटा था। उसके बाद कहां से आई कहां आई, मैं ये भी बता दूं आपको, जो आपने बोला हरिंदर जी ने, हरिंदर जी इनके पास से जो रिमोट कंट्रोल करने को था ना ड्रोन, वो भी पकड़े गए, इनसे नोट गिरने की मशीन भी पकड़ी गई है, इनसे बकायदा तौर पर जो नोट भी पकड़े गए, 23 लाख रुपया ड्रग मनी पकड़ी गई, 19 किलो हीरोइन भरी, 7 पिस्तौल भी पकड़े गए। मैं ये भी आपको बात बता दूं, अभी जो अफगानिस्तान में 7,000 टन सालाना फीम पैदा होती थी, अब 330 टन रहेगी। जब से पहले तो 2 साल उन्होंने काम नहीं किया, पहले बोला छोड़ दो इसको, अभी वो कर रहे हैं कि हम फीम की जो खेती खत्म करनी है। पाकिस्तान से फीम जो हेरोइन वो अफगानिस्तान से आती है, अभी म्यांमार जड़ा वो 3 गुना ज्यादा फीम पैदा कर रहा है, वहां से हेरोइन भी आ रही है। दूसरी चीज बता दूं मैं आपको, जो ड्रोन ही आती है, ये एमरजेंसी खेप है, बड़ी खेप तो बंदरगाहों पे आती है, आपको मालूम है 3,000 केजी पकड़ी गई है। दूसरी बात मैं आपको करूंगा थोड़ी, सभी जो मेरे बैठे पॉलिटिकल वीर उनके लिए, जस्टिस जैन थे जहां हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने एक काम शुरू किया था नशियों के खिलाफ, अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला भी हम नशियों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं ठीक है अच्छी बात है कर रहे हैं, अच्छी बहुत अच्छा किया आप भी
पहली दफा मैंने देखा भी जो न्यायपालिका है जो जुडिशरी सामने आई है, हम भी सेमिनार करेंगे लोगों को जागरूक। लेकिन मैंने उनको एक ही सवाल पूछा था, मैं कहा जस्टिस साहब आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पहली बार मैंने देखा अपनी जिंदगी में भी न्यायपालिका इसमें आई है। आमतौर पर जो न्यायपालिका वाले होते हैं वो थोड़े आम लोगों से दूर रहते हैं। बंगड़ साहब जहां जेड़े सी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, तो मैंने एक सवाल किए थे, मैं कहा सर आपका काम तो अच्छा है लेकिन जो हमारे जहां शराब बिकती है वो भी एक नशा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? 30 सेकंड उनके पास कोई जवाब नहीं था। 30 सेकंड के बाद बोला, उन्हें बोला थी अभी जवाब मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैंने बोला 6 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद मैं कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए नशा हमारी प्रॉब्लम आज की नहीं, बड़ी पुरानी है, लेकिन आज वो ड्रग नशा हेरोइन नशा ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इसको खत्म करना समय की जरूरत है। पंजाब पुलिस में बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं जो पंजाब की वेलफेयर चाहते हैं, ते पंजाब में पंजाब पुलिस में वो भी हैं जो नशे खुद बिकवाते हैं, उनकी पहचान करनी होगी, उसका सरकार के लिए बड़ा एजेंडा होना चाहिए उसका, वो उनको पकड़ना चाहिए। बाकी जो अमृतसर में इस्लामाबाद एरिया कितना अच्छा एरिया, जहां जहां से 19 केजी हीरोइन पकड़ी गई, 19 केजी इतनी बड़ी खेप नहीं मानूंगा इसको, 84 केजी 3000 केजी कितनी कितनी खेप आती है, लेकिन बर्बादी हमारा नौजवान हो रहा है। पंजाब में कोई भी होता है, मैं आपको पहले बताता हूं कि पंजाब में लोग पॉलिटिकल तौर पे, धार्मिक तौर पे, बकायदा तौर पे, सामाजिक तौर पे बाकी स्टेटों से ज्यादा अवेयर है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि पंजाब गुरु पीरों की धरती है, वो पंजाब जो 5 दरियाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है, वो पंजाब जो रंगला पंजाब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन आज उस पंजाब का नाम जो है नशों के साथ जोड़कर देखा जाता है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ऐसी समस्या है जो जिससे सभी जूझ रहे हैं, क्योंकि पंजाब की जवानी कहीं ना कहीं नष्ट होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जस्टे अरोड़ा जी हमारे साथ है। जस्टे जी, आपने सुना सबकी अलग अलग राय थी, जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने एक बड़े नेक्सस को तोड़ा है और इस तरह की बड़ी जो रिकवरी की है उस पर वाहवाही भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चिंता का विषय भी साथ में सभी ने बताया है कि जो बड़ी खेप है ऐसा, क्योंकि जो इनके पास से बरामद किया गया है उसके बाद ड्रोन और को ऑपरेट करने के लिए तमाम इक्विपमेंट जो थे वो भी थे, तो ऐसे में आप मानते हैं कि उन नौजवानों के पास जब ऐसे इक्विपमेंट पहुंचना और इस तरह की पूरी प्लानिंग के साथ काम करना ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में ये लोग अगर इस तरह से काम करेंगे, अब हालांकि 2 ही पकड़े गए हैं, बाकी और भी पकड़े जाएंगे जल्दी, उस पर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन ऐसे में चिंता बन जाती है कि एक तरफ खत्म करने की मुहिम और दूसरी तरफ इस तरह से छोटी छोटी उम्र के जो नौजवान है वो इस दलदल में लिप्त पाए जाना। देखिए, ड्रग्स का जो सा इशू है इसके ऊपर हमें सिर्फ एक गिरफ्तारी से ही नहीं काम बनेगा, इसके लिए जैसे हमें एजुकेशन सिस्टम अपना रोबस्ट करना है, ये भी हमारी जिम्मेवारी है, हेल्थ सिस्टम जो सा है वो भी हमें रोबस्ट करना है, क्योंकि हम देखें तो पिछले 20 सालों के अंदर प्राइवेट देखिए आप हॉस्पिटल जो से हैं वो मशरूमिंग हुई है, मतलब हर जगह पे प्राइवेट छोटे छोटे भी मतलब उनको लाइसेंस दे दिए गए और उस और उन्होंने कईयों ने गलत तरीके से डीएडिक्शन सेंटर भी चलाए और उल्टा जहां पर जो उनसे नशे के पीड़ित थे उनको वो बजाय कि उनको छुड़वाए नशा उनको कहीं ना कहीं तरीके से गलत तरीके से गोलियां भी बेची जाती थी, तो ये सब कुछ जो सा है ये भी जिम्मेवारी आज भगवंत सिंह मान की सरकार की बनती है और हम इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। आज स्कूलों के बच्चे देखिए आप, आज पहली बार हुआ होगा कि भी बच्चे जापान इनवाइट हो रहे हैं, आज पहली बार हुआ है कि बच्चे जो से हैं पंजाब के स्कूलों के उनको इसरो भेजा जा रहा है या जहां जहां पे सैटेलाइट जब होती है तो वहां पे भेज रहे हैं, आज स्कूलों के बच्चे जो से अध्यापक हैं प्रिंसिपल हैं उनको बाहर के देशों में फिनलैंड जैसे देशों में भेज के उनकी ट्रेनिंग को उनको मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप जैसे फिनलैंड में बाहर के देशों को बच्चों का एक पढ़ने का कल्चर है वो हो रहा है, अब ऐसे ही सोशल भी काम हो रहे हैं। सोशल कैसे हो रहे हैं, भगवंत सिंह मान देखो आप साइकिल रैलियां निकाल रहे हैं जिसमें हजारों बच्चे जो उनसे हैं उनको उनको शमूलियत कराई जाती है, वो हरमंदर साहब जाके बच्चों के साथ एक सौ भी चक देने हो ठीक है, कसम भी खाते हैं,
खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी दिलवाते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, गैंगस्टर, टेररिस्ट और ये नशे के तस्कर, इनसे तो एक लड़ाई एक अलग लेवल पे चलनी है, वो पुलिस उससे निजट रही है, पर आने वाली पीढ़ी बच्चों की है और उन बच्चों को गलत रास्ते पे ना चले उसके लिए आज सोशल काम जो उनसे हैं वो भगवंत सिंह मान एक अलग तरीके से कर रहे हैं। ऐसी आप स्पोर्ट्स देखिए, स्पोर्ट्स में पहली बार हुआ है, सॉरी नॉट पहली बार, आप देखिए पिछले 20 सालों के अंदर 20 साल पहले पंजाब का खिलाड़ी बहुत कामयाब और इतने इतने इनाम लेके आता था, पर पिछले 20 सालों में बिल्कुल हरियाणा ने हमें पीछे छोड़ दिया था। एक मिनट, बस हरियाणा हमसे आगे निकल गया, हालांकि हरियाणा हमारा भाई है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर आज पहली बार हुआ है कि स्पोर्ट्स के ऊपर भी काम कर करके जो से एशियाई खेल हैं उसमें 19 मेडल आए हैं पंजाब के। तो ये हमारा जो सा अटैक है वो हर तरफ से चल रहा है। अब एक आप सवाल ले लीजिए, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। और भी ठीक है, बिल्कुल, आपने बताया कि एक तो ओपनली लड़ाई नशे के खिलाफ जो है पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार लड़ रही है, आम लोग भी उसमें सहयोग करें, लेकिन इसमें एक लड़ाई ऐसी भी है जो अंदरूनी तौर पर जो है अभी लड़नी बाकी है। वो लड़ाई वो है क्योंकि जितने मेडिकल स्टोर है वहां पर सिंथेटिक नशा जिसको हम गोलियों के रूप में जानते हैं, जो ट्रामाडोल जैसे और अन्य ऐसे नामों के साथ में मेडिकल स्टोर पर बिकती है क्योंकि वो इजी नशा है, सस्ता नशा है और वो एक बड़ी समस्या है कि वहीं से लत जो है वो शुरू होती है। मेडिकल स्टोर पे अगर कोई जाता है तो वहां से गोलियां लेता है। हालांकि पंजाब पुलिस अमृतसर पुलिस ने 4 दिन पहले ऐसा एक बड़ा जो था वो ऐसा नेक्सस को भी तोड़ा है, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ आखिर क्या कार्रवाई करने जा रही है, उसके लिए क्या रोड मैप है कि इनको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है जिससे हम अपने आप को मुंह मोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, देखिए सिर्फ ट्रामाडोल ही नहीं, ट्रामाडोल तो वो मेरे ख्याल से एक बड़ा मतलब एक छोटा पार्ट तो नहीं मैं कहूंगा, मेजर पार्ट है, बट उससे ज्यादा खतरनाक जो है वो ब्यूडोनॉर्फिन जो कि जो से कैप्सूल्स हैं वो हैं। तो ब्यूडोनॉर्फिन के जो से कैप्सूल्स हैं ये पीछे बहुत बस्ट हुआ था, ये पंजाब के अंदर पकड़ा गया रैकेट, अभी पिछले हफ्ते ही पकड़ा गया, जिसके अंदर वो मतलब जो सा हेल्थ सेंटर है, जो सा नशा छुड़ाऊ केंद्र है, उसके बाहर खड़े होके कुछ लोग बेच रहे थे कैप्सूल, पर वो साथ के साथ ही जैसे पता लगा, देखिए आज की डेट में किसी के, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमृतसर पुलिस ने लाखों गोलियां गुजरात से बरामद की हैं, लाखों एक पूरा हाँ हाँ हाँ, तो वो सिर्फ गुजरात ही नहीं, देखिए आप उसके अंदर ये भी था महाराष्ट्र और एक और भी था यूपी, गुजरात और यूपी से ये जुनसा है पूरा नेक्सस चल रहा था। तो अब जैसे बात अपना पट्टी साहब ने कही वो ठीक है बात, क्योंकि देखो सिंथेटिक ड्रेस के साथ हमें जुनसा है जो बॉर्डर से अपना मतलब समुद्र की तरफ से जो से तट की तरफ से आ रहा है उसका भी बहुत बड़ा मतलब एक नेक्सस है जो अपने आप में इतने सालों से बहुत सक्रिय था, उसे भी तोड़ना है अब। पर यहाँ पे देखिए ना, फिर भी मतलब मैं हरविंदर जी से बहुत हैरान हूँ कि मतलब हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए कि भाई अगर काम सरकार कर रही है तो उसकी शलाघा करनी चाहिए, ये नहीं कि भाई हाँ जी रोज वीडियो आ रही है, मतलब ऐसे नहीं कि आप एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के एक सरेआम सिर्फ एक प्रोपागेंडा करने की तहत से आप बैठो कि हाँ जी रोज वीडियो आ रही है। ठीक है बीच बीच में कई बारी वीडियो आती है, बट पिछले 15 दिन से मुझे तो कोई फ्रेंकली मतलब चलो मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छी बात है, पर उसके ऊपर काम चल रहा है। तो अब पर एक बात है, देखिए ये तो है नहीं कि किसी के माथे के ऊपर लिखा हुआ कि ये तस्कर है, किसी के माथे पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो एडिक्ट है। जैसे जैसे जो लोग जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है साथ के साथ उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है जो पहले नहीं होती थी। पहले क्या होता था अकाली दल के टाइम पे, सबको पता है ये तो गैंगस्टरों के भी जिनसे संस्कार है वहां पे जाके अटेंड करते थे, लोगों के अंदर एक डर पैदा करते थे, और इनकी तो टिकटें भी कैसे बिकती थी वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनके एक फोन के ऊपर तो नशा तस्कर जो से छोड़ दिए जाते थे। आज की डेट में अगर एनडीपीएस के मामले में सबसे ज्यादा एफआईआर हुई हैं पंजाब में पिछले एक साल में, जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इससे हमारी जो सी मंशा है, हमारा रोड मैप है, वो इससे क्लियर होता है। चलिए ठीक है, पंजाब सरकार की जो है मंशा सामने आती है और साथ साथ रोड मैप जो है वो पूरा तैयार है।
नरेश शर्मा जी हमारे साथ है। नरेश जी कैसे देखते हैं, सीधे तौर पर पंजाब सरकार का ये कहना है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमारी मंशा बिल्कुल क्लियर है कि पंजाब से नशे को जो है वो जड़ से खत्म करना है, जिसके तहत काम किया जा रहा है, आप इससे सहमत है? क्योंकि वो कहते हैं कि एक साल के अंदर हमने जितनी रिकवरियां की है और जितने हमने FIR किए हैं नशा तस्करों के ऊपर, वो अपने आप में एक बात है कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो पहली बार जो है वो पंजाब पुलिस के द्वारा की गई। ये अच्छी बात है जी, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूं, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो सभी उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इस नशे को खत्म करने के लिए, क्योंकि सरकार में आने से पहले मान साहब ने बड़े मतलब जोश भरे अंदाज में ये कहा था कि मैं चंद दिनों में पंजाब से नशा खत्म कर दूंगा, इसलिए अच्छी बात है सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार को साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी मतलब ये नहीं कह सकते हम कि अभी एक खेप पकड़ी गई है तो उससे सारा कुछ खत्म हो गया है, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि नशा पंजाब में गांव में शहरों में कहीं खत्म हो गया है। जैसे भी पट्टी साहब ने कहा कि भी इतने इतने किलोग्राम ये पकड़ा जाता रहा है और शहरों में भी पकड़ा जाता रहा है, और मुझे यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि अभी हम अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो मेरे हिसाब से एक अपने प्रदेश में एक सप्ताह में ही नशे के टीके लगाने से कम 7 नौजवानों की मौत हो गई, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए मुझे ये लगता है कि जहां पंजाब के लाखों नौजवान नशे के आदि हैं, और हजारों की गिनती में नहीं बल्कि लाखों की गिनती में सरकारी नशा छुड़ाओ केंद्रों में और कुछ निजी नशा छुड़ाओ केंद्रों में अपने वो इलाज अधीन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पंजाब सरकार ने ये जो वादा किया था सरकार ने लोगों के साथ कि चंद दिनों में नशे को खत्म कर देंगे, लेकिन अगर सरकार ईमानदारी से लगी है तो इसके लिए मैं उन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल वही है फिर कि ये अमृतसर में पंजाब पुलिस की जो पंजाब पुलिस ने ये जो बहादुरी भरा कार्य किया है, तो तरन तारण के SSP गुरमीत चौहान जी को अगर वहां ना बदलते, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसी डबल मापदंड क्यों है, वहां से उनको बदल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या तरन तारण में नशा खत्म हो गया है? क्या मुक्सर में नशा खत्म हो गया है? क्या फरीदकोट में नशा खत्म हो गया है? मेरा ये मानना है कि पंजाब पुलिस के जो बहादुर जो बड़े काबिल अफसर हैं, जैसे पट्टी साहब ने कहा कि हर समाज में हर पोस्ट में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार को सहयोग नहीं करते या सरकार के नीतियों के खिलाफ चलते हैं, तो मुझे जो लगता है कि सरकार के अंदर पंजाब पुलिस के बढ़िया काम करने वाले SSP साहब, कमिश्नर साहब, जितने भी पुलिस अफसर साहबान हैं, उनको बढ़िया तरीके से उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। मुझे ये लगता है जैसे आज CP अमृतसर की पीठ थपथपाई जा रही है, उसी तरह तरन तारण के SSP गुरमीत चौहान जी की भी पीठ थपथपानी चाहिए थी, ना करके उनको वहां से बदल करके कहीं और भेज करके पंजाब में ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सरकार अगर पंजाब पुलिस अपना काम करना चाहती है तो सरकार में बैठे लोग उनकी पीठ थपथपाने की बजाय उनको डिमोरलाइज करते हैं, ऐसा मैसेज भी वहां से गया है। इसलिए मेरा यह मानना है कि पंजाब पुलिस के काबिल अफसरों को बढ़िया से बढ़िया पीठ थपथपानी चाहिए, जो बढ़िया काम करते हैं उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, ना कि उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहिए कि उनको ये लगे कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे काम से लोग तो खुश हैं। और मैं हैरान हूं कि गुरमीत चौहान जी, जजबीर जी, जब उनको वहां से बदली हुई ना उनकी जी, उनकी ट्रांसफर की गई, तो वहां के लोगों ने पुष्प वर्षा करके उनको वहां से विदाई दी थी। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि गुरमीत चौहान जी वहां कितना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन बजाय इसके कि उनकी पीठ थपथपाई जाती, वहां से उनको बदल दिया गया। सो सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि अच्छे लोग अच्छे अफसर सरकार में काम करें। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, जो काबिल अफसर है उन्हें जो है वो जिम्मेदारी देनी चाहिए, और जितने भी हमारे CP साहबान है, SSP साहबान है और उच्च जो हमारे अधिकारी हैं, वो पूरी पावर रखते हैं नशे के ऊपर नकेल कसने के लिए, और नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है उसमें लगातार बड़ी रिकवरी मिल रही है, बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस को मिली। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो बड़े काबिल अफसर हैं उनको भी जो है इस जिम्मेदारी के साथ वहां पर लगाना चाहिए जहां पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ में हरिंदर बिक्की जी हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से। हरिंदर जी, क्योंकि ये सवाल यहाँ पर ये था कि नशे के ऊपर दावे होते हैं,
कई तरह के वहां पे उस समय वादे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में अब पंजाब सरकार ने एक साल में जो कार्रवाई नशे के ऊपर की है, जो रोड मैप के जरिए जो एक मुहिम चलाई गई, एक इस तरह के जो पूरा एक नेक्सस को तोड़ा गया और लगातार रिकवरी हुई, लगातार एफआईआर हुई, तो चाहे वो जेल के अंदर बंद बैठे गैंगस्टर हैं, चाहे वो तस्कर हैं, तो तमाम कार्रवाई में सीधी बात सामने आती है कि पंजाब सरकार जो वादे करके आई थी और ये वादा ये था कि हम पंजाब से नशे को जड़ से खत्म करेंगे, तो उस पर आपका क्या कहना है कि आप लगता है कि एक साल में जो इतनी बड़ी रिकवरी, इतनी बड़ी कार्रवाई पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस ने की है, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है कि हम नशे को खत्म करने की मुहिम में लगातार जो है वो जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए साहब, हम अगर हमारे अमृतसर के सीपी साहब ने अच्छा काम किया है तो ये जसतेज जी को दिखाई नहीं दिया कि हमने उनको अप्रिशिएट किया है, ठीक है। अगर भगवंत मान जी के खिलाफ या कोई भी, या इनको शीशा दिखाते हैं तो इनको मिर्चियां लगने लग पड़ती हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि जसतेज जी आप गलत हो, ये आपकी पार्टी का चलो मतलब स्टैंड है, आप मतलब नशे के खिलाफ है, हम उनके साथ हैं, जहां भी आपकी पार्टी मतलब अच्छा काम करेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन हमारे पंजाब की जो सीमा है वो, ये देखिए अमृतसर की सीमा वो पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, हमारे पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, और हमें इस चीज का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब जैसे गेहूं की अपना फसल आ गई, चावल की फसल आ गई, उस टाइम धान की फसल में ऊपर हो जाता है, जो जब तक 5-6 फुट पे चला जाता है तो ये पेडलर जो है इनको बहुत आसानी हो जाती है कि ये किसानों के रास्ते मतलब कुछ ना कुछ निकाल देते हैं, इसमें कुछ ना कुछ सभी की मिली भुगत होती है। मैंने ये आपने बात मतलब ये सरकार पहले से कहती है कि शेल्टर, देखिए सरकार ये पहली बार नहीं कहती आ रही, लगातार ये बात कहती आ रही कि नशा तस्करों और गैंगस्टरों के ऊपर कहीं ना कहीं शेल्टर देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको संरक्षण करते हैं, जिसके चलते इस तरह के घोरक धंधे को जो लोग अंजाम देते हैं, ये तो सरकार पहले दिन से कहती नजर आ रही है। सर अगर ड्रग मनी पकड़ी गई है तो वो ड्रग किसी को दी होगी, इनके पास वहां से मनी तो नहीं आई होगी, मनी तो इन्होंने हो सकता है, ये पूछताछ का मामला है कि जो ड्रोन पकड़े गए हैं क्या मनी उनसे वापस भेजेंगे, क्योंकि आदान प्रदान तो होता ही है, अगर उधर उधर से हमें ये हीरोइन भेज रहे हैं तो इधर से भी कोई ना कोई गोल्ड या कोई ना कोई मनी तो भेजेंगे। का मामला है ना सर, ये इन्वेस्टिगेट का मामला है, ये तो इन्वेस्टिगेट के बाद चीजें खुल के सामने आएंगी ना, इस यहां पर तो ये बताना वो मुझे लगता है सही नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ये कहीं ना कहीं ये मतलब ये नहीं मैं कहता कि पंजाब सरकार की, ये सेंटर्स का, हमारे पास इतने इतने अच्छे जो अपना गन्स वगैरह हैं, हमारे पास इतने अच्छे अभी फ्यूचर में इन्होंने मशीनें लगाई हैं कि एक चिड़ी भी फटके तो हमें पता चल जाता है, तो क्यों सेंटर सरकार को भी सोचना चाहिए कि उधर से अगर हमारे इधर ये ड्रोन आ रहे हैं या बाई हैंड ये जो अपना स्मैक या कोई और नशा आ रहा है, तो इसको रोकना, मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है ठीक है। देखिए केंद्र सरकार भी लगातार काम कर रही, वही बीएसएफ भी अपना काम बखूबी के साथ कर रही है, क्योंकि सरहद पर ऐसे कई इक्विपमेंट लगाए गए हैं जिसके तहत जो ड्रोन है उसे ट्रेस किया जाता है, उसे जो है नष्ट किया जाता है। हमारे साथ में जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है, भट्टी साहब अंतिम में मैं आपके पास आऊंगा, और यहाँ पर जिस तरह से सभी प्रवक्ता ने अपनी अपनी बात रखी है नशे के खिलाफ, जहां पर पंजाब पुलिस ने एक मुहिम चलाई है, मैं आपके पास लौटता हूँ, मुझे लगता है जसतेज जी कुछ कहना चाहते हैं। जसतेज जी समय की कमी है, जल्दी में अपनी बात रखिए, 30 सेकंड है आपके पास। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि जैसे शर्मा जी ने एक एसएसपी का नाम लिया चौहान साहब का, तो ठीक है, एक तरफ तो देखिए कि विरोधी कहते हैं कि भी पुलिस भी बीच में है या ये भी है, ऐसी बातें करते हैं, तो ये नहीं कि भी अगर सरकार ने अपना काम किया, ट्रांसफर की है, तो उसके ऊपर तू मैं करते रहे, क्योंकि बस इसलिए कि कोई अफसर इनको ठीक लगता है या वो सरकार को ठीक लगता है, तो ये बातें एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। अब इतने इतने लोग ये ट्रांसफर कर देते हैं सेंटर में, तो ये क्या हम ऐसे उंगली उठानी शुरू करते हैं, ये बताना शुरू करते हैं भी काम ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा नहीं होता। अगर ट्रांसफर होती है वो पारदर्शिता से होती है। अगर किसी दिन एसएसपी के बारे में खुल के बात करनी तो हम दोबारा से डिबेट करके मैं बता दूंगा कि क्या क्या वीडियो सामने आई थी, क्या क्या ट्रैप्स हुए थे और क्या क्या उस एसएसपी के खिलाफ था, वो भी मैं बता दूंगा। दूसरी बात ये कि देखिए बॉर्डर जो सा है 50 किलोमीटर तक सेंटर ने जो सा है पंजाब का अपने अंडर ले लिया है,
इसके अंदर बीएसएफ भी देखिए काम अपना कर रही है और पंजाब पुलिस भी कर रही है। पर हाँ, मैं हरविंदर जी से कहूंगा कि भी हाँ, अगर आप सिर्फ पंजाब सरकार से आप कहते हो कि भी वो ये काम करे ये काम करे, तो इनको सेंटर के से भी सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि इससे 50 किलोमीटर जो एरिया है वो बीएसएफ के अंदर है, उनकी उनकी जुरिसडिक्शन में है। ठीक है जसबीर जी, ठीक है मेरे पास समय की कमी है, अंतिम में मैं जसबीर सिंह भट्टी जी का रुख करूंगा। भट्टी साहब, जहां पर बीएसएफ अपनी जिम्मेदारी के काम कर रही है, वह पंजाब पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, जिसके तहत अब बड़ी रिकवरी हुई है, अंतिम में क्या कहेंगे सर? पहली बात तो आपने बीएसएफ की बात की है, बीएसएफ ने मेरे को बताएं जब से 50 किलोमीटर या कितनी कौन सा बड़ा काम किया है। बीएसएफ के पास इतनी नफरी नहीं कि 50 किलोमीटर तक वो काम कर सके, उनका तो बॉर्डर संभालना बहुत मुश्किल, उनकी इतनी नफरी कम है, सरकार भर्ती नहीं कर रही आगे। दूसरी बात मैं बताऊं, जो शर्मा जी ने कही है, शर्मा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब गुरमीत चौहान जी का तबादला हुआ था उस टाइम पे कुछ बातें निकल के आई थी, कुछ पॉलिटिकल तौर पे, वो ठीक है आपके, लेकिन ये प्रेरोगेटिव सरकार का है कि साहब के सबसे को कहां लगाना है, उसके बारे हमारा ना ही करें चिंता करें। और मैं ये आपको बताऊं, जब तक सरकार की दखल अंदाजी बंद नहीं होती, आपको मालूम है पंजाब में आतंकवाद कैसे खत्म हुआ था? बेअंत सिंह सरकार थी, उसने अपने एमएलए जो मिनिस्टर को जो बोल दिया था, मेरे पास एसएचओ की शिकायत लेके मत आना, बस हमने काम करना है। इसके बीच में जो ड्रग की बात कर रहे हैं, हिरोइन की बात कर रहे हैं, इसके बीच में पॉलिटिकल दखलंदाजी मान साहब को बंद करनी पड़ेगी, जब बंद करेंगे काम और अच्छी तरह होगा। और जो भी आदमी, जैसे राजजीत सिंह था, इंस्पेक्टर था इंद्रजीत सिंह का, पकड़ा गया ना अभी तक, ऐसे जो पुलिस में है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। तो मेरा ख्याल अभी इतना कोई बड़ा काम नहीं है जो पंजाब पुलिस ना कर सकती हो। कोई समय था पूरे इंडिया में जो कोई केस की छानबीन नहीं होती थी, वो बोलते पंजाब पुलिस को दे दो, कर देंगे वो, इतनी एफिशिएंट हमारी पुलिस थी जे। लेकिन पॉलिटिकल दखलंदाजी ने हमारा जो बर्बाद किया, तो मैं मान साहब को एक ही बेनती करूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टोटली बंद होनी चाहिए, माफिया राज तद खत्म होगा, वैसे भी खत्म नहीं होगा जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ऐसे में जो पंजाब पुलिस लगातार नशे के खिलाफ जो मुहिम चला रही है, उसमें बड़ी रिकवरी हो रही है, पंजाब पुलिस लगातार जो है सफलता हासिल कर रही है, जिसके चलते अमृतसर पुलिस कमिश्नर ने एक बड़ी रिकवरी की है, जिसमें तहत 100 करोड़ की जो हीरोइन है वो बरामद की गई है, 7 विदेशी पिस्तौल बरामद की गए हैं, नोट गिनने वाली मशीन बरामद की गई है, 23 लाख की ड्रग मनी बरामद की गई है, उसके साथ साथ एक ड्रोन ऑपरेटर जो है वो बरामद किया गया था, जिसको लेकर अब लगातार अमृतसर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, ताकि इनके जो लिंक्स हैं और किन किन लोग इनके साथ जो शामिल है उनके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। लेकिन ऐसे में ये बड़ी रिकवरी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार जो 12वीं कक्षा में पढ़ते नौजवान है वो किस तरह से इस नशे की दलदल में जो है वो पाए गए हैं, उसको लेकर भी लगातार इन्वेस्टिगेट जो है वो अमृतसर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। समय की मेरे पास कमी है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है, कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।